तो फ्रेंड्स, एमएम जो अप्रोच है, एमएम जो अप्रोच है, मोदी, काफी लोग इसको मोदी करके बोलते हैं, मोदी नहीं है, इट्स मोदी, मोदी गिलानी मिलर। एमएम अप्रोच में फ्रेंड्स दो तरह का है, एक है आपका विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स, और एक है आपका विद टैक्स। एजम्पशन अपने वही सेम रहेंगे, जैसे सपोज मैंने क्या बताया था आपको, ये आपका ईबीआईटी है, राइट? उसमें से अगर अपन इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, अपने को क्या आ जाएगा, ईबीटी। ये हम अपन बात कर रहे हैं विदाउट टैक्स वाली, बराबर। अगर अगर सपोज इंटरेस्ट नहीं है और आपको ईबीआईटी दे रखा है और ये आ गया आप, और आपको केई दे रखा है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो केई अगर आपको दे रखा है और आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास डिवेंचर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केओ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। तो यहां पे आपका केई और केओ दोनों बराबर हो जाएगा करके। तो एक समय में आपकी काफी ये आ रही थी करके कि आप बता दीजिए सर करके, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ईबीआईटी में आपको याद, देखो मैंने आपको क्या बोला, टेक्निकल में मत जाइए। अगर उसने नाम यूज किया है एमएम अप्रोच, ठीक है, एमएम अप्रोच में आपको देखना है विदाउट टैक्स वाला है कि विद टैक्स वाला है, बराबर है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि जैसे आपको ईबीआईटी दे रखा है और आपको केई दे रखा है और आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आपका केई और केओ दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको क्लियरली करता हूँ, दोनों बाइफरकेट करके ओवरऑल पोजिशन सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वैल्यूएशन ऑफ फर्म में। अब आप आ जाइए एमएम वाला अपन कर रहे हैं। अगर कहीं पे नाम उन्होंने यूज किया है एमएम अप्रोच, तो अपन को क्या करना है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपके पास ईबीआईटी है, बराबर, और आपके पास इंटरेस्ट नहीं है और आपके पास ईबीटी है और आपको केई दे रखा है, केई सपोज आपको दे रखा है 10%, इसका मतलब आपका एनओआई, नॉट नेट ऑपरेटिंग इनकम, भी आपका क्या रहेगा, 10%, क्योंकि आपका एनआई भी यहां पर क्या है, नेट इनकम भी क्या है, 10%, और इंटरेस्ट आपका नहीं। ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आप जरा बराबर से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। नाम का खेल है, अगर एमएम नाम दे रखा है तो अपन कैसे करेंगे वो जरा ले लीजिए, 5.30। पूरा डिटेल में मैं आपको एकदम अच्छे से करा देता हूं, इसमें दोनों कवर करता हूं, एमएम, एमएम विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स, और एमएम विद टैक्स। नाम है, अगर आपको नाम दे रखा है तो नाम को कैसे यूज करते हुए, अगर आपको नाम दिया है तो नाम को यूज करते हुए कैसे जाएंगे। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू टू कंपनीज बिलोंग टू सेम रिस्क क्लास, प्लीज अंडरलाइन दैट, सेम रिस्क क्लास। सेम रिस्क क्लास है आपका, ओके, एमएम अप्रोच है, सेम रिस्क क्लास है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, इट मींस एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, इसको अपन ईबीआईटी भी बोल सकते हैं। ईबीआईटी दे रखा है ए का और बी का, बराबर, ए का 18 लाख रुपीस और बी का, बहुत ध्यान से देखिए आपका, 18 लाख नाम दे दिया उसने क्वेश्चन में, एमएम अप्रोच 18 लाख। डेप्ट अपने को दे रखा है, डेप्ट 12% एंड दिस कम्स टू 54 लाख, लेकिन इसमें डेप्ट नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन केई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया था ना वैल्यूएशन के टाइम पे, एंड दिस कम्स टू, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 18%। नाउ डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर एमएम अप्रोच, इट मींस नो टैक्स वाला अपने को करना है। मोदी गिलानियन मिलर, एमएम, एमएम के नाम से बच्चे काफी डरते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल करके बता देता हूँ। देखो, आपको ईबीआईटी दे रखा है, डेप दे रखा है, ये इसका कोई भी कॉस्ट आपके पास नहीं है, बराबर,
और इसका आपको दे रखा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, आपके पास जब डेप्ट नहीं है, जब आपके पास डेप्ट नहीं है तो आपका ये ईबीआईटी, आपका ये केई, केई आपका क्या बन जाएगा यहां पे, इक्वल टू के ओ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है तो के के ओ और के ई आपका क्या रहेगा, सेम। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपका ईबीआईटी, आपका ईबीआईटी और आपका ईबीटी सेम है क्योंकि आपके पास कोई भी टैक्स नहीं है। अब आप आ जाइए वन बाय वन। फर्स्ट, एज्यूमिंग नो टैक्स एज पर एमएम अप्रोच, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ए, तो ए के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ बी। तो सबसे पहले अपन ने लिया, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ बी, बराबर। मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में, पहले ईबीआईटी, आपका ईबीआईटी कितना दे रखा है, रुपीस बोलो 18 लैक्स माइनस इंटरेस्ट नहीं है, आपका ईबीटी आ जाएगा 18 लैक्स। राइट नाउ हम लोग ले रहे हैं विदाउट टैक्स वाला पार्ट, हाँ, दिस इज विदाउट टैक्स वाला पार्ट ले रहे हैं अभी हम। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ बी विदाउट टैक्स 18 लैक्स, ओके। अब देखो यहां पे उसने क्या बोला है, के ई आपको दे रखा है, के ई आपको दे रखा है 18% और इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आपका के ओ बी क्या हो जाएगा 18%, इसका मतलब आपका वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 18% एंड दिस कम्स टू 1 करोड़। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपका 1 करोड़ रुपीस का मार्केट वैल्यू हो जाएगा किसका, बी लिमिटेड का, बराबर है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ए का कैसे रहेगा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज फॉर ए, इट मींस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ये फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स सेविंग्स, बराबर। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म्स, क्योंकि लीवर्ड मींस इसके अंदर कोई भी डेप्ट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अनलीवर्ड, अगर डेप्ट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीवर्ड। इट मींस 1 करोड़ प्लस नाउ टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग कितना है बिकॉज ऑफ डेप्ट, इट मींस डेप्ट है हमारा 54 लैक्स और टैक्स हम क्या ले रहे हैं विदाउट टैक्स इनटू 0, आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा 1 CR। 1 CR में आपका डेप्ट है गिवन है 54 लैक्स, तो आपका इक्विटी क्या हो जाएगा, आपका इक्विटी हो जाएगा 54 माइनस 100 इज 46 लैक्स। ये आपका हो गया डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट, राइट। तो ये आपका हो गया इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ, ये आपका हो गया फॉर्म ए का और ये आपका हो गया फॉर्म बी का। सही है सुनो फ्रेंड्स, इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको आ जाएगा करके ना। दिस इज क्या दे रखा है, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग मार्केट वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज, पहला अपन ले रहे हैं विदाउट टैक्स, विदाउट ईबीआईटी अपन को दे रखा है, देन इंटरेस्ट इसमें है नहीं, देन अर्निंग बिफोर टैक्स अपना ये आएगा, के ई 18% है तो के ओ भी हमारा 18% होगा क्योंकि हमारे पास कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, जब इंटरेस्ट नहीं है तो के ई के ओ, मैंने आपको बताया था ना के ओ के ई लास्ट लेक्चर में, तो सेम रहेगा। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म
किसका, बी का निकाला अपन ने, ये 18, ये 18% से 1 करोड़ आ गया दिस। देन द फॉर्मूला आपने यूज किया ए के लिए, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग ऑन दिस, सो टोटल वैल्यू अपना 1 करोड़ आया। इक्विटी इसमें डेप्ट अपने को दे ही रखा है, बाकी का क्या हो जाएगा अपना इक्विटी। तो ये आपका हो गया आंसर ए पार्ट वन, आंसर नंबर ए पार्ट वन। क्योंकि उसने एमएम बोला है तो हम लोग नाम से ही समझ जाएंगे कि हमको एमएम अप्रोच लेना है। और उसने बोला है कि पहला, उसने क्या बोला है कि एज्यूमिंग नो टैक्स, इनके क्या क्या एजम्पशन से हैं बताओ। वैल्यूएशन ऑफ फर्म में नो टैक्स रहेगा, दो ही टाइप के आपके लाइक यू नो दैट फंड्स रहेंगे, इक्विटी और लोन। फिर जो भी आपके पास बचेगा दैट इज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट फुल्ली, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बराबर। शेयर होल्डर समझदार रहेगा, राइट, रेशनल बिहेव करेगा, मार्केट परफेक्ट रहेगा करके ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मिल जाएगी। ये अजम्पशन है, वो आप थ्योरी में जरा देख लेना, पहले आप प्रैक्टिकल को, ये क्वेश्चन को 3 से 4 बार करोगे ना तभी जाके फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। और ये आपको मेन पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आपका मेन था कि केई और केओ यहाँ पे क्या होगा सेम, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। तो केई और केओ आपका क्या रहेगा, केई इज 18% और केओ भी यहाँ पे क्या रहेगा आपका 18%। सही आंसर नो फ्रेंड्स, परफेक्ट। तो ये आपका हो गया वैल्यूएशन ऑफ फर्म। सो आंसर नंबर वन अपन लिख देते हैं, दिस इज योर आंसर नंबर ए वन, वैल्यूएशन ऑफ फर्म, ए लिमिटेड 1 करोड़, जिसमें डेप्ट है, इक्विटी है, डेप्ट है आपका 54 लैक्स, ये 46 लैक्स, ओके। बी लिमिटेड वैल्यूएशन आपका है 1 करोड़, डेप्ट है आपका 0 और इक्विटी आ जाएगा पूरा 1 करोड़। दिस इज आंसर नंबर ए एंड टू। आंसर नंबर ए टू में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, तो के ई, तो के ई कैसे निकालेंगे आपका, पहले आप जरा देख लीजिए, देखो ये आपका ईबीआईटी, ये आपका ए, ये आपका बी। ईबीआईटी आपका कितना है फ्रेंड्स, रुपीस 18 लैक्स लेस इंटरेस्ट, 54 लैक का 12%, 54 लैक का 12%, 6 लैक्स 48, ये नील अर्निंग बिफोर टैक्स इज 11,52,000 एंड दिस इज 18 लैक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट मींस आपका के ई निकलेगा 11,52 डिवाइडेड बाई, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 46 लैक्स इंटू 100,
1152 डिवाइडेड बाय 46 इनटू 100 कम्स टू 25.04, और इसका के ई निकलेगा इस 18 लैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मार्केट वैल्यू 1 करोड़, एंड दिस कम्स टू 18%। एंड डेप्ट का तो इंटरेस्ट रेट है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका 18% आएगा और इसका क्या आएगा 25.04%। तो ये क्या पूछ रहा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये आपका आंसर नंबर ए का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आएगा 25.04%, और बी का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आएगा 18%। सही है, सुनो फ्रेंड्स, एकदम आराम से करिए, बेहतरीन समय दुनिया का, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं आपका। एमएम उसने बोल दिया तो आपको एमएम नाम यूज करना, बाकी का कुछ नहीं, आपको सोचना वही है। दो तरह के फंड होते हैं अपने पास, एक होता है डेब्ट लोन वाला फंड, एक इक्विटी। जो पैसा बचेगा डेब्ट को इंटरेस्ट देने के बाद फुल्ली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड। ओके, शेयर होल्डर रेशनल है, समझदार है करके, मार्केट आपका परफेक्ट है, नो इन्फ्लेशन कॉस्ट, नो आपका टैक्स, विदाउट टैक्स हम लोग कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन अपन ने निकाला था, वैल्यूएशन ऑफ ए, ए में आपको डेप्ट है 54 लाख, इक्विटी आपको 46 लाख, बी में 1 करोड़, डेप्ट आपका 0, इक्विटी आपका ये है। ईबीआईटी ले लिया दोनों का, माइनस इंटरेस्ट किया आपने 54 लाख इंटू 12%, ये आपका क्या आ गया, ईबीटी आ गया, इससे आपको के ई आ जाएगा, ये 25.4% है, और इसका के ई आ जाएगा 18%। सही है सुनो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बोलो। ओके, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ इट्स वेरी सिंपल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेम अपना फॉर्मेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फंडा सेम आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, राइट। इट मींस स्टेटमेंट showing weighted average cost of capital। फॉर्मेट मैंने आपको क्या समझाया था फ्रेंड्स, ये आपका कंपनी ए, क्या क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है आपका, डेप्ट इक्विटी, मार्केट वैल्यू है आपका, मार्केट वैल्यू है डेप्ट का 54, इसका 46, मिलके 1 करोड़। वेट निकालेंगे, 54 को 1 करोड़ से डिवाइड करो 0.54, 46 को 0.46। कॉस्ट, डेप्ट का कॉस्ट तो सेम है, आपको क्या दे रखा है, डेप्ट का कॉस्ट आपको दे रखा है 12%, और इक्विटी का आपको दे रखा है, अपन ने निकाला था 25.04। वेटेड एवरेज कॉस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेट 54 × 12, दिस कम्स टू 6.48,
25.04 into 0.46 is 11.51. You can say 52 plus 6.48, and this comes to 18%. अब आप आ जाइए कंपनी बी. कंपनी बी में तो 100% इक्विटी है, 1 करोड़. वेट आपका आ जाएगा 1 ओनली. कॉस्ट है आपका 18% एंड दिस कम्स टू 18%. सो वेटेड एक्योरेंस आपका एवरेज कॉस्ट आएगा ए का और बी का 18%. ये अपन चल रहे हैं विदाउट टैक्स वाला पार्ट. सही है सुनो फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेहतरीन समय. एफएम का ट्यूटर तो हिल जाएगा, कर ही नहीं पाएगा इस टाइप की क्वेश्चंस करके, और इतना सिंपल करके तो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा. एग्जामिनर को बोलना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को, आई वॉन्टेड टू गिव यू द ट्रीट टूडे, आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी मोडी गिलानी एंड मिल्लर. मोडी गिलानी एंड मिल्लर राइट. क्या क्या एग्जम्पशन थे बोलो. दो तरह का ही सोर्स होता है, एक आपका डेब्ट, एक आपका इक्विटी. इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिविडेंड, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. बोलो शेयर होल्डर समझदार, रेशनल बिहेवियर राइट. मार्केट परफेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को चाहिए परफेक्टली मिल सकती है. ये इनका थ्योरी पहले वाला था बराबर, लेकिन ये थ्योरी फेल होने लगा क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है ना. लोग बोले यार ये कैसा है, टैक्स ही नहीं है तो मार्केट का वैल्यू कैसे होगा, आपका मार्केट वैल्यू कैसे होगा. हर कंट्री में कोई भी कंट्री ऐसा है कि दुनिया में जहाँ पर टैक्स नहीं है. तो फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को चेंज किया. तो चेंज करके कैसे करते, एक ही समय में क्या आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ राइट. तो डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग नो टैक्स. सही आंसर है फ्रेंड्स. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए करके ना, परफेक्टली क्लियर होना एकदम. इसको 4-5 बार आप करोगे ना तो आपको क्लियर होगा. मेरे पास है ए कंपनी, डेप्ट, इक्विटी. डेप्ट अपन ने यहां से ले लिया, इक्विटी यहां से ले लिया. डेप्ट एंड इक्विटी टोटल ये पॉइंट, ये दोनों का प्रोपोर्शन निकाल लिया, मीन्स 54 को डिवाइड किया 1 करोड़ से राइट. तो 0.54 आया, 46 को 1 से किया डिवाइड तो 0.46 आया. कॉस्ट अपन के पास था ही, डिवेंचर का तो दे ही रखा है, इक्विटी का अपन ने निकाला था अभी ना, ये 6.4. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करेंगे तो ये 18% आ जाएगा. बी इक्विटी, इक्विटी कितना है ये, इसमें तो 1 करोड़ ही है सीधा, कुछ दूसरा है ही नहीं, तो वेट 1 ही रहेगा, कॉस्ट 18%. ये सम को फ्रेंड्स ओपन चैलेंज है, जब आप लाइब्रेरी में करोगे ना लोग देखेंगे अरे मोदी गिलानी मिलर कर रहा है, तब लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज द दम ऑफ दानी की कॉस्टिंग राइट. ऐसे ही नहीं बनता है करके ना. ओके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, तो उनको बहुत डर लगता है इससे, तो आप जरा हेल्प करेंगे तो बहुत ईजी हो. फॉर्मेट अपना जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे फ्रेंड्स आप नाचोगे करके, अरे यार इतना ईजी है क्या करें. चलो अब आ जाइए आप बी पार्ट के ऊपर ना, दिस इज योर पार्ट बी. पार्ट बी एज्यूमिंग टैक्स रेट 40%. एज्यूमिंग टैक्स रेट 40%. सही है सोनो फ्रेंड्स, एज्यूमिंग आपका जो टैक्स रेट है वो 40%. अब देखो जरा, ये पहले अपन ले लेते हैं बी लिमिटेड. हमेशा पहले क्या लेने का, अनलीवर्ड फॉर्म, क्योंकि फॉर्मूला है ना वो ईबीआईटी. व्हाट योर ईबीआईटी, योर ईबीआईटी इज 18 लैक्स. व्हाट इज द इंटरेस्ट पोर्शन, निल. व्हाट इज योर ईबीटी, ईबीटी इज 18 लैक्स. पेड टैक्स, व्हाट इज द टैक्स रेट, 40%. कैसे पता चला, गिवन. कैसे पता चला लिखो साहब, गिवन. आप लोग को लग रहा होगा सर कहां से लिख रहे करके, अरे गिवन है भैया क्वेश्चन में, 10 लैक 80. ये आपका क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स.
वॉट इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स? 10,80,000. सो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू 10,80,000 डिवाइडेड बाई वॉट इज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट? 18% इनटू 100. के ई आपको दे रखा ना, वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म में क्या मैंने बताया था आपको? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई के ई. इसका मतलब 10,80,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 60 लैक्स. वैल्यूएशन ऑफ फर्म बिकॉज 100% इक्विटी है इसके अंदर ना. वैल्यूएशन ऑफ फर्म 100% इक्विटी. ए लिमिटेड का कैसे करेंगे? पहले आप ये बताइए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? टैक्स रेट दे रखा है 40%. पहले अपन बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड इज ए अनलिवर्ड फर्म, राइट. ईबीआईटी आपको दे रखा है 18 लैक्स. इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ईबीटी आपका आ जाएगा. देन टैक्स रेट आपका 40%. अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ फर्म, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई के ई, बराबर है वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि 100% इसमें इक्विटी है. अब आप आ जाइए किसके ऊपर? ए लिमिटेड. तो अपना फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग. वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म आपका कितना है? 60 लैक्स प्लस 54 लैक का 30%. 54 लैक का 30%, इट मीन्स 54 का नहीं 40% है. व्हाट इज द टैक्स रेट? 40%. बहुत ध्यान से करिए आप ना, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं अपने को. इट मीन्स 60 लैक्स प्लस 54 लैक का 40% आपका आएगा. 54 का 40% प्लस 60 इज 81,60,000. 81,60,000. This is the valuation of firm. This includes debt and equity. Debt है आपका 54 lakhs और equity आपका बचेगा 27,60,000. सही है, सुनो फ्रेंड्स, आपको क्या दे रखा है? बोलो फॉर्मूला अपना क्या है? ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड टैक्स सेविंग. अनलिवर्ड फर्म का अपन ने वैल्यू यहां से निकाला था 54 लाख इंटू 40%, दोनों का टोटल ये आ गया, उसमें से डेप्ट अपना ये है, तो बाकी का जो बचेगा दैट इज ए वैल्यू ऑफ इक्विटी. प्रीवियस सम में मैंने आपको ये सब बताया था, प्रीवियस लेक्चर में ना. बोलो यस सुनो फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर बी, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ, इट मीन्स आंसर बी एंड दिस इज योर पार्ट वन. आंसर बी पार्ट वन, आंसर बी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म एंड टैक्स सेविंग करेंगे. अब वो क्या बोल रहे हैं? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है? इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब आप आ जाइए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाल सकते हैं अपन? बीके में तो कैसे निकलेगा? इजी, अर्निंग आफ्टर टैक्स
डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना है 10,80,000 डिवाइडेड बाय 60 लैक्स इंटू 100, 1080 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 18%, राइट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ, ये आपका आ गया बी का। अब आप आ जाइए ए में, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ ए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स आप? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ ए, इट मींस आपको दे रखा है ईबीआईटी। व्हाट योर ईबीआईटी इज 18 लैक्स माइनस इंटरेस्ट 54 लैक्स इंटू 12%, सो 54 इंटू 12% इज 6,48,000। अर्निंग बिफोर टैक्स इज 11,52,000, टैक्स 40%, 40% इज 460,800। अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 1152 माइनस 460,800, 691,200 KE, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स 691,200 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 2760 into 100, एंड दिस कम्स टू 25.04%। सही आंसर ना फ्रेंड्स। इक्विटी का कैसे निकालेंगे? बी, बी का अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स है अपने पास, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने निकाला था 18%। ए का अर्निंग बिफोर टैक्स है, माइनस इंटरेस्ट किया 54 लाख इंटू 12%, अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स आ गया आपका, अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन के ई, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आपका। एंड लास्ट तो अपना फेवरेट है एकदम, सही है सुनो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मोदी गिलानी नाम आ गया ना, मोदी गिलानी मिलर, आपको कुछ सोचना नहीं, NOI NI, आप टेक्निकली जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। MM अप्रोच, ये सम आप 4 से 5 बार करना, सेम फॉर्मेट में करना। कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको कॉल कर लूंगा या मैं आपको व्हाट्सअप पे, बट ये सेम फॉर्मेट अगर आप फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा, बराबर। लास्ट अपने से क्या पूछ रहा है? इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये पार्ट आपका क्लियर हुआ? हेलो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट।
मार्केट वैल्यू वेट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेट को अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। वी आर डूइंग मोडी गिलानी एंड बिल्डर, राइट। दिस इज डेप्ट, दिस इज इक्विटी, सॉरी वी आर डूइंग कंपनी बी, ओके। मार्केट वैल्यू दिस इज डेप्ट, दिस इज इक्विटी। डेप्ट आपका कितना है 54, दिस इज 27, 60, 54 प्लस 27.6, 81,60,000, ठीक है। वेट इट मीन्स 54 डिवाइडेड बाई 81.6 इज 0.662। कैसे निकाला समझा ना, 54 लैक्स डिवाइडेड बाई 81.60 और 2760 डिवाइडेड बाई 2760 डिवाइडेड बाई 8160 इज 0.338। सही आंसर, क्लियर, बोलो। डिवेंचर की कॉस्ट, डिवेंचर की कॉस्ट कितना रहेगा मैं आपको बताऊंगा एट द टाइम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और आपको आगे भी बताऊंगा। केडी टैक्स बेनिफिट रहेगा ना उसके ऊपर, इसका मतलब केडी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज ए इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स। इंटरेस्ट कॉस्ट है आपका 12%। अब इस 12% के लिए आपका कितना टैक्स सेव हो जाएगा, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, नहीं तो बेसिक वाला लेक्चर देखना करके ना। 40% 4.8, इसका मतलब 12 माइनस 4.8 इज 7.2% आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट रहेगा, 7.2। और इक्विटी का तो अपन ने निकाला था 25.04। मल्टीप्लाई करो 0.662 इंटू 7.2 इज 4.77 और 0.338 इंटू 25.04 इज 8.46, सो प्लस 4.77 13.23% आपका है। सही है सुना, वन ऑफ द बेस्ट सम है जिसमें बिफोर टैक्स आफ्टर एमएम अप्रोच आपको दे दिया, उसके बाद आपको आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकलवा लिया, आपसे रिवर्स भी करा लिया, आपसे वैल्यूएशन ऑफ फर्म भी करा लिया, आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट भी निकाले हैं। अब बी का, ए का अपन बी का कैसे करेंगे, बी में तो इजी है ना, इट मीन्स बी स्टेटमेंट, प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना ये सब सारे कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट।
कंपनी बी पर्टिकुलर्स इक्विटी मार्केट वैल्यू 1 करोड़, वेट 1, कॉस्ट 60 lakhs, weight 1, cost 18, weighted average 18%. सही है सर। परफेक्टली क्लियर। और आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, है ना? तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक। नाउ यू आर कंफर्टेबल, प्लीज बोलिए। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 5.13, मोदी गिलानी एंड मिलर। दो ही क्वेश्चन है, इनको ही आप चार चार पांच पांच बार करोगे प्रैक्टिस तो आपका लाइब्रेरी में जब आप करने बैठो मोदी गिलानी एंड मिलर को लोग घबरा जाएंगे यार क्या चल रहा है करके ना। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 5.13। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? देखिए जरा ना क्या दे रखा है। ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनीज कंसिडरिंग द रीपर्चेज ऑफ 275 lakhs इक्विटी शेयर्स एंड टू रिप्लेस इट विथ 15% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज 1750 विद अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%। The company's earning before interest and tax are expected to remain constant in the future year. The company also has a policy to distributing its entire earning as a dividend. वो तो अपन जानते ही है करके। Assuming the corporate tax is 30%, you are required to calculate the impact on following on account of change in the capital structure as per Modi, Gilani and Miller approach. अब देखो आपका capital structure change हो रहा है। पहले वाला आपका capital structure क्या था? आपका पहला कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था फ्रेंड्स? बोलो 100% इक्विटी एट प्रेजेंट। अब वो क्या बोल रहा है कि नहीं आउट ऑफ दिस 275 का क्या हो जाएगा आपका डेब्ट, बाकी का क्या बचेगा आपका इक्विटी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिस इज योर, और अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से इलस्ट्रेशन 10। ये आपका लेटेस्ट आईसीआई का जो मॉड्यूल है उससे है। ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, राइट? इट मींस योर ईपीआईटी माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट? रुपीज इन लैक्स, बराबर है। अब देखो अपना वैल्यूएशन फॉर्म क्या था? वैल्यूएशन फॉर्म का फॉर्मूला क्या था बोलो? इट मींस अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई के ई। अर्निंग आफ्टर टैक्स अपना क्या है? वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म है अपना 1750, बराबर। के ई है हमारा 20%, इसका मतलब 1750 का 20% इज 350। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो
1750 आपको दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ फर्म ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, मतलब पूरा की पूरा उसका पैसा कौन सा है, वैल्यूएशन फर्म क्या है उसका, इक्विटी। ओके, कंसिडरिंग द परचेज ऑफ 275 lakhs ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टू रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। ओके, करेंट मार्केट वैल्यू इसका 1750, तो करेंट मार्केट वैल्यू कैसे निकला होगा, 350 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर टैक्स रेट है आपका 30%, इसका मतलब 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका इट मीन्स भाई आपका अगर ये 100 है, ये आपका 30 है, तो ये आपका 70 बचेगा। सो 350 इंटू 100 बाई 70 एंड दिस कम्स टू 500, सो दिस कम्स टू 500 150। ओके, पहले में आपका इंटरेस्ट नहीं है 500, सही है सुनो फ्रेंड्स, सो दिस इज द वैल्यू। अब ये अपने से क्या पूछ रहा, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो कैसे निकालेंगे, नाउ दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, क्योंकि 100% इक्विटी है ना, तो दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। सो मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, बराबर मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया, वैल्यूएशन ऑफ फर्म इक्वल टू आपका क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स सेविंग्स, ये फॉर्मूला है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी कितना है आपका, 1750 प्लस टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग कितना है आपका 30%, और आपका डिवेंचर कितने का है 275, इट मींस 275 इंटू 0.3 प्लस 1750 इज 1832.5। अब इसमें आपका डिवेंचर है कितने का 275, तो आपका इक्विटी बचेगा माइनस 275 इज 1557.5। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी इज कंसिडरिंग द रीपर्चेज ऑफ 275 lakh इक्विटी शेयर्स एंड टू रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। करेंट मार्केट वैल्यू, करेंट मार्केट वैल्यू कितना है मेरा 1750, और मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20, और मुझे टैक्स लेके कंसिडर करना है बिकॉज टैक्स रेट इज गिवन 30%, बराबर। तो मेरा ये अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा 350, पहले ये बताइए ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपको दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आपको दे रखा है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है, तो आप अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया आपका, बराबर। आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो टैक्स कितना भरना पड़ रहा है 30, तो आपका कितना आ रहा है 70, सो ये 70 इज 350, तो व्हाट इज 100, 100 इज 500, 500 का 30% टैक्स 150, इंटरेस्ट इसमें 0 है, इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा से 500। अब दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ आपका लीवर्ड, मैंने फॉर्मूला क्या आपको बताया था स्टार्टिंग में, वैल्यू ऑफ फॉर्म मार्केट ऑफ अनलीवर्ड एंड टैक्स सेविंग, अनलीवर्ड का कितना, ये अनलीवर्ड का कितना है 1750, टैक्स सेविंग जो डिवेंचर है उस पर टैक्स सेविंग कितने का मिलेगा आपको 275 का 30%, इट मीन्स वैल्यू डेप्ट कितना है 275, इक्विटी कितना हो जाएगा आपका देश। तो आपका पहला आंसर हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, बराबर, तो आपका मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, दिस इज योर आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 आपका आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी।
कौन सा? रिवाइज्ड, रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। सही है सुनो फ्रेंड्स, बराबर। अब आप आ जाइए सेकेंड पार्ट पर। ये आपका रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ गया। ये टैक्स वाले में अपन चल रहे हैं, राइट। टैक्स का दे रखा है मोडी, गिलानी एंड मिलर, इनकी बड़ी आलोचना हुई थी कि भाई बिना टैक्स के कैसे चलेगा, तो फिर थ्योरी इन्होंने चेंज की, ठीक है। अब आप आ जाइए, क्या पूछ रहा है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर। इट मीन्स योर ईबीआईटी रुपीज इन लैक्स, 500 लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 275। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 275 पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। सो 275 का 15% 41.25 माइनस 500 इज 458.75 इज ए अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स, व्हाट इज द टैक्स? इज ए 30% इंटू 30% 137.625 और से 63 आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 458.75 माइनस 137.63 3 to 1 1.12 All right. Okay, so KE will be your 321.12 divided by 1557.5 into 100 divided by 1557.5 into 100 is 20.62 और आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका हो जाएगा 15। मैंने आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट लेस टैक्स सेविंग्स, इंटरेस्ट है आपका 15% माइनस टैक्स सेविंग 30% ऑफ 15% इज 4.5%। ओके, 30% ऑफ 15, 15 का 30% माइनस करो 15 में से, तो आपको क्या आएगा? 10.5%। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। से यस ऑर नो फ्रेंड्स, अपन ने ईबीआईटी ले लिया सेम, देन इंटरेस्ट क्योंकि 275 के डिबेंचर हो गए अभी आपके पास, ईबीटी, देन टैक्स माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन ये आपका आ गया और एडी आपका ये दे रखा है। सही है सुनो फ्रेंड्स, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20.62 और आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया 10.5। अब अपन इसके बेस पे क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? वेटेड एवरेज कॉस्ट।
अब आप निकालिए ओवरऑल कॉस्ट मीन्स वेटेड, मैंने बताया था ना आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ओवरऑल कॉस्ट सेम फॉर्मेट आप फॉलो करिए राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और अच्छे से बताऊंगा आपको ना। स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर्स मार्केट वैल्यू वेट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट, इट मीन्स वेट इनटू कॉस्ट, बराबर है। ये आपका डेप्ट, ये आपका इक्विटी, बराबर है। टोटल आपका 1832.5, डेप्ट आपका 275, इक्विटी 1557.5, ठीक है। कॉस्ट है आपका 20.62 और 10.5, सही यार सुना। सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट डेप्ट इक्विटी मार्केट वैल्यू दिस 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 एंड दिस, ओके। तो वैल्यू ऑफ, पहले अपन क्या करते हैं मोदी गलानी मिलर में, दिस इज एमएम अप्रोच, ओके। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जिसमें डेप्ट नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अनलीवर्ड फर्म। सो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बताया था मैंने आपको, प्लस टैक्स सेविंग्स। अगर आपका कुछ डिबेंचर है उस पर टैक्स सेविंग है तो अगर आपको टैक्स दे रखा है तो वो वाला आ जाएगा, नहीं दे रखा है तो डायरेक्टली आ जाएगा आप, दिस इज अ मैम। अगर नाम दे रखा है तो आपको यूज करना है, सही है सुनो। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग, तो ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आपकी आ जाएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है, ठीक है। आ जाइए अभी आप, क्या बोल रहा है, अब पहले वेट निकाल लेते हैं, इट मीन्स 275 डिवाइडेड बाय 1832.5 एंड 1557.5 डिवाइडेड बाय 1832.5, ये दोनों का वेट आ जाएगा ना, 275 डिवाइडेड बाय 1832.5 इज 0.15, ये आ जाएगा और 0.85 ये आ जाएगा, ये 10.5 इंटू 0.15 इज 1.575% एंड 20.62 इंटू 0.85 इज 17.527 और प्लस 1.575 इज 19.11%।
से यह सुनो, दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट, या इसको अपन ओवरऑल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर्स, ये आपका डेब्ट, इक्विटी, मार्केट वैल्यू ले लिया, 275 को डिवाइड किया तो ये वेट आ गया, 1557 को डिवाइड किया तो ये वेट आ गया, कॉस्ट अपने पास निकाला ही था। तो मोदी गिलानी मिलर में आपको यही ध्यान रखना है कि एक विदाउट टैक्स वाला भी हो सकता है, विद टैक्स वाला भी हो सकता है। विदाउट टैक्स में पहले अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू निकालो, फिर आप लिवर्ड का निकालो। ऐसे ही पहले अनलिवर्ड का निकालो, फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग, ये मिलके आपको बनेगा वैल्यू ऑफ फर्म, किसके लिए? लिवर्ड के लिए। और अनलिवर्ड के लिए तो डायरेक्टली आपका आ ही जाएगा करके, ओके। और इन्होंने एक ये बोला है करके ना, एक फॉर्मूला और इन्होंने देखा, देखो मॉड्यूल में दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दे रखा है। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉल्यूशन आपके पास है फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट मींस आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट 1 माइनस टी इंटू एल, 1 माइनस टी इंटू एल, दिस है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। देन 1 माइनस टैक्स रेट क्या है 30 इंटू एल, इट मींस 275 का डिवेंचर लाने वाले हो आप, और वैल्यू ऑफ फॉर्म अपन ने निकाली थी 1832.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 275 डिवाइडेड बाई 1832.5 इंटू 0.3 माइनस 1, आपका 75 डिवाइडेड बाई 1832.5 ओके इंटू 0.3 माइनस 1, तो 19.05 अप्रोक्स सबका आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं, अपना इजी वाला है। तो आपको क्या ध्यान, मतलब मेन इसमें क्या था, मैंने आपको जो प्रीवियस सेशन में कराया था वही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एमएम अप्रोच है, एमएम अप्रोच कब आपको लगाना है, जब उसने क्वेश्चन में दे रखा है, नाम दे रखा है, ये मोदी गिलानिया, मोदी नहीं मोदी गिलानी है। एक अनलिवर्ड फॉर्म आपकी रहेगी, एक आपकी लिवर्ड फॉर्म रहेगी। अनलिवर्ड फॉर्म मीन्स नो डेप्ट, उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, यहां पे वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स सेविंग, जो भी आपका डेप्ट है उस पर टैक्स सेविंग लेके ये आपका आ जाए। ओके थैंक यू वेरी मच, ये आपका काफ़ी आप पूछ रहे थे। और इसी के साथ अपना ये कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म यहाँ पे एंड हो जाता है। राधे राधे। एंड फ्रेंड्स, इन केस ऑफ दिस एमसीक्यू ना, आई विल ऑलवेज लाइक यू नो दैट प्रेफर कि आप इनको करिए टिक ना, एमसीक्यूज जो है ना 5.2 पे देखिए आप जरा 5.20, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है टॉपिक का ना, तो अगर आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, एंड थोड़ा थ्योरी भी मॉड्यूल से रेफर करिए करके ना, तो आपका एकदम प्रॉपर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं फटाफट कर दूंगा करके ना, फटाफट कर दूंगा। द द पहला एमसीक्यू वन बाई वन अपन चल रहे हैं। पहला एमसीक्यू, दिस इज एमसीक्यू 1 पेज नंबर 5.20। द अजम्पशन ऑफ एमएम हाइपोथेसिस, राइट, इट मींस एमएम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, इट मींस कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट। मैंने क्या बताया था, एमएम अप्रोच क्या बोलता है, मार्केट क्या होना चाहिए, परफेक्ट, मार्केट क्या होना चाहिए, परफेक्ट, बराबर। कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट का है, शेयर होल्डर को फटाक से मिलना चाहिए, राइट।
आपका जो इन्वेस्टर है वो समझदार होना चाहिए, सोर्स आपका इक्विटी और डेप्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचेगा वो 100% डिविडेंड में जाएगा। दो तरह की अप्रोच है एमएम में, एक आपका है टैक्स वाला, एक आपका है विदाउट टैक्स वाला। मैंने दोनों आपको अच्छे से करा दी, इसका मतलब ए ही हो जाएगा इसका आंसर। आंसर एमसीक्यू टू में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलेवेंट फॉर कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आंसर इज सॉल्वेंसी, राइट। थर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल सोर्सेज। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपका सब आ जाएगा, कौन कौन सा, आपका इक्विटी आएगा, आपका प्रेफरेंस आएगा, आपका लोन और डेब्ट आएगा, आपकी रिटेन, हर तरह का आपका, इट मीन्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके आ जाएंगे। तो आंसर थ्री का आपका हो जाएगा ए। एन ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर एग्जामाइनिंग द ईपीएस रिजल्ट फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल, दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन फाइव, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रेफर्ड स्टॉक एंड इक्विटी शेयर्स। मतलब लॉन्ग टर्म, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट होना चाहिए, प्रेफर्ड स्टॉक होना चाहिए एंड इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। सिक्स, क्वेश्चन सिक्स एमसीक्यू का चल रहा है अपना 5.2 पेज। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू बी एन एजेंसी कॉस्ट। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, राइट, विजय एजेंसी कॉस्ट। सेवन, क्वेश्चन सेवन, द ट्रेडिशनल अप्रोच टूवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज एज्यूम दैट देर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। क्वेश्चन एट, मार्केट वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कंसिस्ट व्हेन द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वैल्यू, वेरी क्लियर, राइट, इसका आंसर बी रहेगा। नाइन का, इफ हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इफ द डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन मिनिमम पॉसिबल वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैंने आपको क्वेश्चन थ्री में भी बताया था मिनिमम वेटेड एवरेज कॉस्ट होना चाहिए आपका घर का। वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होता है, आपका कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई वेट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओके। इलेवन, कंसिडर द बिलो मैंसन्ड स्टेटमेंट, ओके, दिस इज कंसिडर द बिलो अबव मैंसन्ड स्टेटमेंट। ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी ओवर कैपिटलाइज व्हेन इट इज एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटल, नहीं नहीं नहीं, इट्स ए फॉल्स। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स जो कैपिटलाइजेशन उससे ज़्यादा होना चाहिए करके ना, एंड बोथ ओवर कैपिटलाइज एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज करेक्ट। ए क्रिटिकल एजम्पशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई अप्रोच इज वैल्यूएशन दैट केओ रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लीवरेजेस। केओ तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, उसमें सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। एंड 13 का डी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स में बी एडोप्टेड टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, रिडक्शन इन क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर, ओके। सो दैट इज द एंड ऑफ योर दिस पार्ट, एमसीक्यू पार्ट। पर आप इसको अच्छे से पढ़िए, बिना देखे सॉल्व करिए, तो आपका काम हो जाएगा, ओके। आर यू फेलिंग फ्रेंड्स?